हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हैं। हमने पिछले चैप्टर में बताया है, पिछले वीडियो में बताया है कि जनरल लेजर प्रॉफिट और लॉस का एंट्री कैसे किया जाता है जब बुक्स को क्लोज किया जाएगा। आज हम आपके पास आए हैं कि जनरल लेजर या प्रॉफिट या लॉस जब क्वेश्चन में देगा कि उसको क्लोज नहीं करना है, तो सिर्फ एक एंट्री की जाती है। अगर क्लोज करना है तो पिछले टॉपिक में हमने बताया है जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है और लॉस की एंट्री क्या होती है। आज हम उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक जो जिसमें दिया रहता है कि जनरल लेजर प्रॉफिट या लॉस आर नॉट टू बी क्लोज्ड, उसको बंद नहीं करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो निकालिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 3/4, 1/4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इक्वली, बाद में ये इक्वली लेते हैं, यानी न्यू रेशियो इनका हो जाएगा 1/2 और 1/2। तो पहले हम सैक्रिफाइस गेनिंग निकालें। यहाँ किसी को एक बार बेस मानते हैं, सैक्रिफाइस बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आइए ए और बी का निकालिए। ओल्ड क्या है 3/4, इसका है ओल्ड 1/4, और न्यू क्या है बेटा 1/2 और 1/2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालिए 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, 1/4 क्या आ जाएगा, प्लस में आया है तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे 4 1 माइनस 2 माइनस 1/4 आ गया, क्या आ गया गेन, माइनस लिखना नहीं है, गेन आ गया। अब आइए, अब जब क्वेश्चन में देगा आर टू नॉट बी क्लोज्ड तो एक एंट्री कीजिए, गेन वाले को डेबिट कीजिए और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कीजिए, एंट्री हो जाएगा। गेन किसको हुआ, बी को, यहां लिखिएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब आइए देखिए अब कितना अमाउंट होगा, देखिए तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 40,000 है। जनरल रिजर्व कितना है, 10,000। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अगर लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये सब रहेगा तो प्लस कीजिएगा और लॉस रहेगा तो माइनस, टोटल कितना हो गया 50,000। और 50,000 का 1/4 और 1/4, 50,000 का 1/4 12,500, 50,000 का 1/4 12,500 बी में हो गया और 12,500 कहाँ हो गया ए में। एक एंट्री कीजिएगा, गेन वाले को डेबिट कीजिएगा तो सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कीजिएगा, ये पॉजिटिव कंडीशन में होता है। अगर जनरल रिजर्व दिया हो, प्रॉफिट दिया हो तो, अगर लॉस दिया हो तो सैक्रिफाइस वाले को डेबिट कीजिए और गेन वाले को क्रेडिट कीजिए। अगले क्वेश्चन में वही मिलेगा, अगले क्वेश्चन में वही है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, यानी प्रॉफिट हो तो गेन वाले को डेबिट कीजिए और सैक्रिफाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। ये ए पहले हम लिखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए बी और सी का निकालिए, ए बी सी, ओल्ड रेशियो है 3/8, 3/8 और 2/8, न्यू रेशियो है बेटा इक्वली है 1/3, 1/3 और 1/3। यहाँ देखिए ये दोनों कैल्शियम 24, तो 3
9 माइनस 8 1 बाई 24, ये क्या आ गया? सेक्रीफाइस। अब इसको निकालिए, 24 इससे डिवाइड कीजिएगा 3, 9 माइनस 8, इसका भी 1 बाई 24 क्या आ गया? सेक्रीफाइस। अब इसका 24 3, 6 माइनस 8 माइनस 2 बाई 24, तो माइनस 2 बाई 24 का मतलब क्या आ गया? गेन आ गया। क्या आ गया? गेन। अब इस क्वेश्चन में लॉस दिया है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? लॉस। तो इसमें किसको डेबिट कीजिएगा? सैक्रिफाइस को डेबिट कीजिएगा, गेन को क्या कीजिएगा? क्रेडिट। यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना है? 20,000। 20,000 का 1/24, 20,000 का 1/24 और 20,000 का 2/24। यानी जब भी लॉस होगा तो सैक्रिफाइस को डेबिट होता है, गेन को क्रेडिट होता है। 20,000 डिवाइडेड बाई 24, 833, 833 और 2/24 1666। यहाँ पे एक को 33, ये 1666, यहाँ पर लिखिएगा 833, 833 दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? 1666। ये जब कंडीशन में लॉस दिया है तो सैक्रिफाइस को डेबिट कीजिए और गेन को क्रेडिट कीजिए, और जब प्रॉफिट दिया है, रिजर्व दिया है, तो जोड़कर गेन को डेबिट कीजिए और सैक्रिफाइस को क्रेडिट कीजिए। इस कंडीशन में अगर गुडविल भी दिया हो, अगर कहेगा गुडविल का भी एक एंट्री करने के लिए, तो उस कंडीशन में गेन को डेबिट कीजिए और सैक्रिफाइस को क्रेडिट कीजिए। इस प्रकार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यही दो टॉपिक था जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो आज बताया है। इस दोनों टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और मेरा गारंटी है कि एग्जामिनेशन में आराम से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।